हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2, लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। आई नो कि मैंने वीडियो को लाने में बहुत देर कर दी है, बट गाइस सॉरी, पर अब मैं स्टडी और कंप्लीट कर दूँगी। शायद ये वीडियो थोड़ा पार्ट 2 भी बनेगा इसका। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लास्ट में सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो हम चैप्टर को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम समझने वाले हैं अबाउट द लैंड क्या होती है, ठीक है। मतलब लैंड तो हमें पता है कि एक सरफेस होता है, बट इन डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑल अबाउट द लैंड, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक हम लैंड के बारे में पढ़ेंगे, देन सॉइल वाटर, देन नेचुरल वेजिटेशन एंड देन द वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो लैंड जो है इट अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ये तो हम सबको ही पता है कि जो लैंड है, देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं इसलिए नहीं पढ़ा रही क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ भी नहीं है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो जस्ट कट दिस टॉपिक एंड स्टार्ट फ्रॉम द लैंड, ओके। तो जो लैंड है वो क्या है, लैंड जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ये हमें अपने बचपन से ही पता है क्योंकि हमने पढ़ा होता है, ठीक है, ओके। अब एक और चीज़ की जो लैंड है वो 30% जो है उसके पास टोटल एरिया है हमारे अर्थ सरफेस में से। कितना? 30% एरिया टोटल, ठीक है। इसको मार्क कर लीजिए 30% एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकॉल की ये नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। देन जो बात है कि ऑल द पार्ट्स और जितने भी पार्ट्स हैं सब में 30% जो है वो लैंड का कंज्यूम है, ठीक है। देन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब क्या है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है लैंड का, यानी कहीं कहीं पे कुछ हो रखा है, कहीं कहीं पे कुछ तरह से। लैंड एंड क्लाइमेट में हम जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पॉपुलेशन का वो कहीं लैंड और क्लाइमेट के हिसाब से हुआ है। यानी अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो उसका जो मतलब हमने ये डिसाइड किया था कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि उसका क्लाइमेट इस टाइप का है या फिर लैंड, ठीक है। तो मतलब हमने नहीं, जिन्होंने ये बनाया था उन्होंने किया था, तो इसी तरीके से ये सोचा जाता है लैंड और क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। देन जस्ट वन मिनट, हम अब आगे बढ़ते हैं इन आवर नेक्स्ट टॉपिक, ओके। तो जो भी हमारे प्लेन्स हैं, रिवर्स हैं एंड जो जितनी भी वैलीज़ हैं वो सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। यानी जो भी हमारे प्लेन्स, रिवर हैं, जो भी कुछ है, वैलीज़ हैं, हमारे हाउसेस हैं, उन सब के लिए जो लैंड है सबसे ज़्यादा वो सूटेबल किसके लिए होती है? एग्रीकल्चर के लिए। यानी हम लैंड पर सबसे ज़्यादा जो यूज़ कर सकते हैं जिस तरीके से वो एग्रीकल्चर से करते हैं। तो इसलिए जो ये जो हमारी वर्ल्ड है वो डेंसली पॉपुलेटेड इस एरियाज़ में इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है। लॉगिंग डेजर्ट एरिया, थिक फॉरेस्टेड एरिया सब वहाँ पे कवर्ड है। तो इसलिए जो डेंसली पॉपुलेटेड है हमारी वर्ल्ड में वो इसलिए है बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर, ओके। देन अगर हम बात करें कि लैंड यूज़ की, लैंड को हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं, तो जो लैंड है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसके लिए हम लैंड को यूज़ करते हैं वो है एक तो एग्रीकल्चर, देन फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज। यानी ये तो कॉमन सी चीज़ें जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, तो इन्हीं के लिए लैंड यूज़ होती है ना। स्कूल्स हो गए, फॉरेस्ट्री होगी, माइनिंग होगी, एग्रीकल्चर, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स और इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन टर्म है जिसमें हम लैंड यूज़ के लिए लैंड को यूज़ करते हैं। देन अब हम बात करें अगर कि जो यूज़ ऑफ लैंड है वो कैसे, मतलब हमें कैसे पता कि यहाँ पे बिल्डिंग जो है वो अच्छी बनेगी, यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए लैंड सूटेबल है और यहाँ पे इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, वो हम देखते हैं उसके फिज़िकल फैक्टर्स से, ठीक है। फिज़िकल फैक्टर्स यानी कि जैसे इंडस्ट्री के लिए हमें मेनली अगर हम कॉटन की इंडस्ट्री खड़ा कर रहे हैं तो उसके लिए क्रॉप जो है कॉटन क्रॉप वो साइड पास होना चाहिए इंडस्ट्री के, है ना। और वाटर रिवर्स पास होनी चाहिए क्योंकि अगर उन्हें वाटर थ्रो करना हुआ या कुछ सामान फेंकना हो तो वो इजीली कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा फिज़िकल फैक्टर उनको चाहिए होता है। अब वो फिज़िकल फैक्टर्स क्या है, फर्स्ट होता है टोपोग्राफी, ठीक है, कि वहाँ का लैंड कैसे है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। देन सॉइल क्लाइमेट में, अच्छा सॉइल बहुत टाइप की होती है, एलुवियल सॉइल होती है, एरिड सॉइल होती है, तो किस टाइप की सॉइल उस क्रॉप के लिए, इंडस्ट्री के लिए बेटर है वो देखेंगे। एग्रीकल्चर के लिए सॉइल देखी जाएगी, है ना, और बिल्डिंग के लिए सॉइल नहीं देखी जाती, उसके लिए क्लाइमेट, मिनरल्स देखे जाते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि वाटर की अवेलेबिलिटी है या नहीं। अगर कहीं पे हाउसेस हैं तो जहाँ पे आप हाउस लेंगे वहाँ पे आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि वहाँ पे वाटर है या नहीं है, है ना। और क्या देखेंगे कि शॉप पास में है या नहीं है, ये चीज़ हम कॉमनली देखते हैं जब हम घर देखते हैं, है ना। तो यही चीज़ें हैं जिसकी जो मेनली हम देखते हैं।
ये होते हैं हमारे फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है। अब ह्यूमन फैक्टर्स जो हैं सच एज पॉपुलेशन के लिए वो क्या है, मतलब हम ह्यूमंस के लिए जो मेनली जो फिजिकल फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, जो फिजिकल फैक्टर्स हैं ह्यूमंस के लिए एज अ पॉपुलेशन के लिए वो टेक्नोलॉजी है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो टेक्नोलॉजी है, अगर वहाँ पे नेट नहीं आता होगा नेटवर्क्स तो फिर हम नहीं कर सकते। ह्यूमन फैक्टर्स के जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं, अभी हमने फिजिकल देख लिए फैक्टर्स, अब हम देख रहे हैं ह्यूमन फैक्टर, दो आर द पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब पॉपुलेशन टेक्नोलॉजी कैसे, लाइक हम कुछ भी अगर देखते हैं कि जो हमारे फैक्टर्स हैं, लाइक कि हम जो इधर से घर लेते हैं तो हम देखते हैं ना कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, नेटवर्क आ रहे हैं या नहीं आ रहे, है ना। पॉपुलेशन भी देखते हैं कि कोई आस पड़ोसी है या नहीं है, तो वही ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स हमने देख लिए, ठीक है। ओके, देन लैंड जो है हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। अब ओनरशिप मतलब कि हम उसको कैसे ओन कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो बेसिकली जो बेसिस ऑफ ओनरशिप होते हैं वो हमारे फोर होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं हमारे, फोर होते हैं, बट आपको जो एट्थ में पढ़ने हैं दीज आर द टू ओनली, कि प्राइवेट लैंड एंड द कम्युनिटी लैंड, ठीक है। वैसे एक और आते हैं इसमें नेशनल और इंटरनेशनल अलग से, बट आपको वो आप पढ़ेंगे जाके टेंथ में, अभी आपको पढ़ना है बस ये दो, तो वो है प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड, ठीक है। प्राइवेट लैंड नाम से ही पता चल रहा है, प्राइवेट लैंड आर दोस विच इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, जो कि एक अकेला अपने लिए खरीदता है, लाइक एग्जाम्पल में हाउस हो गया हमारा अपना, है ना, और क्या हो सकता है, लाइक आपका अपना स्पीकर, ठीक है। कम्युनिटी लैंड आर दोज लैंड ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस, यानी जैसे कि हम कॉमन यूज़ के लिए, जो पूरी कम्युनिटी पूरी सोसाइटी यूज़ कर सके, लाइक हमने पार्क है, ठीक है, पार्क तो कम्युनिटी लैंड है, वो तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं पार्क को, अपनी पूरी सोसाइटी के, ठीक है। और जो पेड़ है उस पर, अगर आपकी सोसाइटी में एक पेड़ है जिस पर आम हुआ है, तो वो तो पूरी सोसाइटी का होगा, ये नहीं कि सिर्फ आपका प्राइवेट है, ठीक है। बट हाँ, अगर आपने अपने गार्डन में लगा रखे एक प्लांट तो वो आपका प्राइवेट लैंड में आया, ठीक है, क्लियर हो गया। देन अब हम बात करने वाले हैं, हमने ये तो देख लिया कि टू टाइप्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, कम्युनिटी लैंड जो है हम उसको एक और नाम से बोलते हैं, डीज आर द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, क्योंकि अपनी कॉमन प्रॉपर्टी है, मतलब हमारी नहीं पर पूरी सोसाइटी की कॉमन प्रॉपर्टी है ना, तो वो हम बोल सकते हैं। पर कोई अगर बाहर से अगर आएगा जो सोसाइटी का नहीं है, तो वो उसे यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। देन पीपल एंड, अगर बिना इजाज़त के वैसे तो यूज़ कर सकता है, बट अगर इजाज़त ना हो तो, ठीक है। अब बोला क्या, पीपल एंड द डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड, यानी पीपल की जो डिमांड है वो तो बढ़ती जा रही है कि उनको अब ये चाहिए, उनको ये चाहिए, पर जो अवेलेबिलिटी है यानी जो लैंड पे उस वो कितना अमाउंट में प्रेजेंट है वो कम होता जा रहा है। जैसे कि अगर हम देखें वाटर, तो वाटर तो कहीं ना कहीं तक तो लिमिटेड होगा ना, ये थोड़ी ना कि हमेशा आते ही रहेगा करेगा, पर लोग क्या कर रहे हैं उसका अनलिमिटेड यूज़ कर रहे हैं, अनलिमिटेड वेस्टेज भी कर रहे हैं, जितना यूज़ कर सकते हैं उतना यूज़ कर रहे हैं, बट दैट्स नॉट द राइट, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड भी देख सकते हैं अगर हम, यानी लैंड में अगर हम देखें तो कुछ फॉरेस्ट के लिए तो लैंड बची ही नहीं, क्योंकि सब क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं अपनी, तो फॉरेस्ट के लिए बची ही नहीं, पेड़ कहाँ बनेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी फिर, है ना। तो जो अवेलेबिलिटी है लैंड की वो लिमिटेड है, पर जो लोगों की डिमांड है कि यहाँ पे हम जैसे कि हम यहाँ पे वो बिल्डिंग ड्रॉ करेंगे बनाएंगे, यहाँ पे हम अपना रिजॉर्ट बनाएंगे, तो ये सब जो है अवेलेबिलिटी लैंड की ये लिमिटेड हो रही है और डिमांड्स ग्रेटर होती जा रही है, ठीक है। देन जो क्वालिटी है लैंड की वो डिफ़र होती है प्लेस टू प्लेस, यानी यहाँ पे क्वालिटी कोई और है, यहाँ पे क्वालिटी कोई और है, तो ऐसे जो है क्वालिटी बदलती रहती है लैंड की। क्यों बदलती रहती है, क्योंकि हर जगह की जो सॉइल है वो क्या होती है, बदलती रहती है हर जगह की सॉइल, ठीक है। कहीं पे एरिड होती है, कहीं पे एलुवियल होती है, लाइक महाराष्ट्र गुजरात में ब्लैक की है, ठीक है। देन पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग, वन मिनट, ठीक है, पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड टू बिल्ड अप द कमर्शियल एरियाज, पीपल क्या करने लगे, कमर्शियल एरियाज़ को बिल्ड करने लगे ऐसा अपने हाउस कॉम्प्लेक्सेस के लिए, अर्बन एरियाज़ वाले लोग जो हैं, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर लैंड जो है रूरल एरियाज़ में वो कम करने लगे हैं लोग, क्योंकि वो सब क्या होता है सिर्फ रूरल में होने लगा है, यहाँ पे जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे नहीं होता। तो टुडे जो है वास्ट चेंज आना चाहिए लैंड यूज़ पैटर्न में, एक थोड़ा सा चेंज आया हमारी सोसाइटी में, कि अब लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड स्लाइड्स हो रहे हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, ये सब क्या है, जो भी अभी ये चार नाम हमने देखे, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन, ये एक चार इन्वायरमेंट की मेजर प्रॉब्लम्स हैं या थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत आ रही है। किस में दिक्कत आ रही है, ये सब जो है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर है और कंजर्वेशन एक्टिविटी। अब ये कैसे हो रहा है,
कंस्ट्रक्शन की वजह से जो भी हम लोग खड़ा कर रहे हैं बार बार ये अपने जो बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं हम, तो उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, लैंड स्लाइड्स हो रहे हैं, मौसम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन, प्लांट्स काट रहे हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी हर एक चीज़ की वजह से डिजर्टिफिकेशन, सल्फ्यूरेशन, लैंड स्लाइड और लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। मेनली इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? एग्रीकल्चर पर। ठीक है, देन हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर अपने। ओके, तो अब हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, यानी हमने देख लिया कि लैंड क्या है, लैंड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि लैंड को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। जब हमने चार प्रॉब्लम देखी कि डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, रिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सब प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं। ठीक है, तो ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर ग्रोइंग डिमांड्स हैज लेड टू अ लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी जैसे जैसे हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, और या फिर डिमांड, जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, है ना। पर अगर डिमांड बढ़ेगी तो जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होते जाएंगे, लो होते जाएंगे, है ना। तो इसकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं जब वो लो होते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो कि हमने देखा कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अब अरे हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लॉसिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेज, तो इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को खोने की हो रहे हैं। तो देयरफॉर द प्रेजेंट रेट है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड की, वो हमें चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत कम होती जा रही है, और जैसे एकदम वो ख़त्म होगी तो फिर धरती ख़त्म। ठीक है, अब कुछ एक हम क्या कर सकते हैं, तो हम जो कर सकते हैं दैट इज अफॉरेस्टेशन, प्लांट लगा सकते हैं, है ना, लैंड रिक्लेमेशन कर सकते हैं, और रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, यानी केमिकल पेस्टिसाइड्स का हम जो कुछ लोग फार्मर्स हैं वो ज़्यादा डाल देते हैं, कुछ कम डाल देते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है लैंड में, क्रॉप्स में, तो हम क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, यानी हम एक जो फिक्स है रेट कितना गिरना है वो फिक्स कर सकते हैं, फिर गिर सकते हैं, तो वो अच्छा है ना। और फर्टिलाइजर्स कर सकते हैं, हम फर्टिलाइजिंग कर सकते हैं, एंड चेक ऑन द ओवरग्रेजिंग। हाँ, ओवरग्रेजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको हम रोकने की कोशिश कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं पर थोड़ी तो रोक सकते हैं ना, थोड़ी सी ही पूरा घड़ा बढ़ता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं अपने कंजर्व करने के लिए लैंड रिसोर्स को। तो इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है या तो 2 मार्क्स का या फिर 3 मार्क्स का, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, और आपको बस यही लिखना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, फॉरेस्टेशन कर सकते हैं, लैंड रिक्लेमेशन, देखिए आपको बस ये लिखना है, अगर आपका एग्ज़ाम में आता है कंजर्वेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बस यहाँ तक आपको लिखना है, ख़त्म। ये 3 लाइन में आप पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, देन हम बात करें अगर सॉइल की। ठीक है, तो सॉइल जो है वो एक थिन लेयर है ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस जो कि कवर करते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी हमने देखा है ग्रेनी का मतलब है थोड़ा सा चूरचूरा सा पानी, यानी इसमें थोड़ा क्रिस्टल्स जैसे होते हैं, तो वो एक ऐसा सब्सटेंस ग्रेनी जैसा एक पतली सी लेयर है जो कि हमारे, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, इसके ऊपर सरफेस पे वो ऐसे ये जो है ये सॉइल है। ठीक है, ये हमारी अर्थ थी। ओके, ठीक है, देन ये जो है ये हमारे लैंड के क्लोजली लिंक होती है। क्यों लिंक होती है? क्योंकि जो लैंड फॉर्म्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि किस टाइप की सॉइल होनी, यानी पहले तो हम ये जानेंगे सॉइल किससे बनती है। सॉइल जो है वो हमारी बनती है ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से, वेदर रॉक से, जो कि सब ये अर्थ पे हमें मिल जाते हैं। ठीक है, और भी चीज़ों से बनती है बहुत सारी, पर आपको भी 3 नाम याद रखते हैं, ऑर्गेनिक, मिनरल और वेदर रॉक। ठीक है, अब जो लैंड फॉर्म है हम उसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, टाइप ऑफ सॉइल, यानी अगर हम गुजरात में हैं, ठीक है, या फिर महाराष्ट्र में है, तो वहाँ पे जो सॉइल है वो होती है हमारी ब्लैक सॉइल। अब वहाँ पे ब्लैक सॉइल क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे मेनली जो है क्रॉप उगता है वो होता है हमारा कॉटन। ठीक है, क्या होता है? कॉटन। 1 मिनट, होता है हमारा कॉटन। ठीक है, और कॉटन जो है उसके लिए हमें जो सॉइल चाहिए वो है हमारी ब्लैक सॉइल। ठीक है, अगर अब हम नॉर्थन एरियाज़ में देखें, जो नॉर्थ के एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे जो सॉइल लगती है हमें चाहिए होती है वो होती है एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल। तो हर जगह के हिसाब से अपनी अपनी एक सॉइल होती है। अब हम देखेंगे कि सॉइल कैसे बनी, यानी हमने कुछ ही फैक्टर्स देखे ना कि सॉइल किससे बनी है, अब हम पूरे ऑल द फैक्टर्स देखने वाले कि सॉइल किस किस से बनी है। तो ये डायग्राम तो बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, ये एग्ज़ाम में आता है, जब आपकी कॉपी में ड्रॉ मैम ने कराया भी होगा, है ना।
गाइस अब हम देखने वाले थे ये जो सॉइल की प्रोफाइल है, सॉइल की प्रोफाइल है ना, तो सॉइल की प्रोफाइल क्या है कि यानी जैसे हम अपनी प्रोफाइल डालते हैं तो उसमें हम अपना अपने बारे में ए टू जेड सब कुछ डाल देते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन है ना कि सॉइल जैसे हम कैसे होते हैं, हमारे वो क्या है, हमारा सब कुछ डाल देते हैं हमें। ऐसे हम सॉइल की प्रोफाइल में देखेंगे कि सॉइल किससे बना है, सॉइल के अंदर क्या क्या है, सॉइल क्या क्या कंटेन करता है, एवरीथिंग वी विल सी अबाउट द सॉइल, द सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, तो सॉइल की प्रोफाइल में सबसे पहले जो उसने बताया वो उसने ये बताया कि जो उसकी टॉप लेयर है, टॉप लेयर में आप क्या देख सकते हैं, आप देख पा रहे हैं कि जस्ट वन मिनट गाइस, एक सेकेंड बस। हाँ जी, तो देखिए टॉप साइड में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एक घास सी दिख रही है आपको, है ना। तो ये जो है इसके नीचे जो आप ये ब्लैक कलर की लेयर देख रहे हैं, दैट इज़ वॉट द टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन, यानी यहाँ पे सॉइल की जो वो है टॉप सॉइल है विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन के साथ। ठीक है, देन जो इसकी आप ये वाली लेयर देख रहे हैं, दिस वन, ये जो है कि सब सॉइल है, यानी इसके पास सैंड है, स्लेट है और क्ले है, और इसके ऊपर वाली में क्या था, ह्यूमस और वेजिटेशन था। ठीक है, फिर ये जो येलो सा देख रहे हैं जिसमें इसकी स्माइली है, इसकी दो आंखें है, तो वो है वेदर्ड रॉक मटेरियल। क्या है, वेदर्ड रॉक मटेरियल। ठीक है, ये हमने देखा था कि सॉइल किस किस से बना, उसमें हमने ये भी देखा था। ठीक है, देन जो सबसे नीचे ये पत्थर सा हमें दिख रहा है, दैट इज़ द पैरेंट रॉक। ठीक है, पैरेंट रॉक, बस आपको ये नाम लिख के आना है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ देख लेते हैं, ये डू यू नो क्या है, इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट वन सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, यानी अगर हमें एक सेंटीमीटर की सॉइल भी बनानी है ना, तो उसके लिए हमें कम से कम हंड्रेड ऑफ ईयर्स लग जाते हैं एक सेंटीमीटर की सॉइल बनाने के लिए। कैन यू इमेजिन, सिर्फ एक सेंटीमीटर के लिए हंड्रेड ईयर्स, और हंड्रेड से भी ज़्यादा। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन के, जैसे हमारे सॉइल फॉर्मेशन के वो क्या क्या है कि जो सॉइल फॉर्मेशन है, एक तो हमने देखा कि उसमें एक तो पैरेंट रॉक होते हैं ना, और कुछ क्लाइमेट फैक्टर्स होते हैं, तो इन चीज़ों से हम मिलके देखने वाले हैं कि सॉइल किस किस से बनता है। ठीक है, पर उसके लिए कुछ फैक्टर्स चाहिए, वो क्या क्या है, एक तो हमने देखा था टोपोग्राफी, ऑर्गेनिक मटेरियल, और हमने देखा था पैरेंट रॉक। ठीक है, एक और चीज़ है कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यानी हमें क्या क्या कंपोजिशन चाहिए सॉइल की फॉर्मेशन करने के लिए। तो जो सबसे पहले हमें चाहिए, देखिए ये फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से इसको देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में आपको ऐसे ड्रॉ नहीं करना, एग्ज़ाम में आपसे बस पूछ देंगे, तो आपको इतना भी लर्न नहीं करना, सिर्फ आपको इनके जो ये ब्लैक से हेडिंग से नाम लिखे हैं ना, ये आपको याद रखने, क्योंकि यही एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, आपको बस यही लिखना होगा कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए ये नीडेड है। ठीक है, तो जो सबसे पहले हमारा है पैरेंट रॉक, उसमें क्या क्या आता है, पैरेंट रॉक हमारे डिटरमाइन करता है कि कलर कैसा होगा सॉइल का, उसमें दिखेगा कैसे, टेक्स्चर कैसे होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, यानी उसमें कितना केमिकल्स होंगे, ये सब मिनरल्स क्या होंगे, कंटेंट क्या होंगे, परमेबिलिटी, ये सब कौन देखता है, हमारा पैरेंट रॉक फैक्टर जो है सॉइल का, जो सबसे नीचे होता है यहाँ पे, ये जो हमने देखा। ठीक है, ये वाला पोर्शन। देन अब हम बात करें रिलीफ की, तो रिलीफ आप कहेंगे हमने तो सॉइल की प्रोफाइल में कहीं रिलीफ देखा ही नहीं है ना, तो जो रिलीफ है वो हम मतलब वो हिडन होता है, पर रिलीफ भी कुछ क्या काम करते हैं, क्या करते हैं कि एल्टीट्यूड एंड स्लोप, यानी जो उसका एल्टीट्यूड है यानी हाइट जो है, स्लोप है टेढ़ा मेढ़ा, वो कैसे होगा वो डिटरमाइन करता है। ठीक है, और अब हम थर्ड वन देखें, ये तो हमारा सेकंड था रिलीफ, थर्ड वन देखें फ्लोरा फाउना एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो फ्लोरा कौन होता है, फ्लावर, फाउना इज एनिमल, एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म आपको पता है क्या होता है। ठीक है, तो जो ये तीनों हैं ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, यानी ह्यूमस की कितनी फॉर्मेशन होगी उस पर अपना ये असर यानी अफेक्ट डालेंगे। कैसे अफेक्ट डालेंगे, जो माइक्रोजम है यानी डिकम्पोजर्स वगैरह जो ये सब होते हैं हमारी सॉइल में होता है, तो ये क्या करते हैं, जो भी सॉइल है ह्यूमस है उसमें अपना कुछ कंटेंट मिला देते हैं, तो उसकी वजह से अफेक्ट होता है इनकी वजह से हमारी सॉइल फॉर्मेशन ह्यूमस में। ह्यूमस में होगा तो उसकी टॉप लेयर जो है ये उसमें असर होगा, क्यों, क्योंकि टॉप सॉइल जो है वो हमारी ह्यूमस एंड वेजिटेशन से कवर्ड होती है। ठीक है, देन अब हम देख रहे हैं अपना तो फोर्थ वन, दैट इज टाइम। तो जो टाइम है उसमें आप समझ ही होंगे कि कितनी टाइम ले रही है वो, है ना, पर यहाँ पे जो टाइम है वो डिटरमाइन करती है थिकनेस कैसी होगी, यानी कि उस थिकनेस को बनने में कितना टाइम लगेगा, यानी अगर हमारी एक सॉइल है
हमें इतनी मोटी सॉइल चाहिए, तो उसको बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, डैट इज़ द टाइम इन द सॉइल में। ठीक है, अब बात कर रहे हैं क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट क्या है, टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कितनी होगी, वेदरिंग कितनी होगी, ह्यूमस फॉर्मेशन। तो जैसे अब अगर मैं बात करूँ एलुवियल सॉइल की, 6 टाइप्स ऑफ सॉइल्स होती हैं जो कि आप 10th में SST में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये भूल जाइए अभी, अभी बस इतना याद रखिए कि एक एलुवियल सॉइल है। ये जो एलुवियल सॉइल है इसको रेनफॉल चाहिए होती है बहुत ही कम, मतलब 100 सेंटीमीटर की कुछ रेनफॉल चाहिए होती है। ठीक है, इसका टेम्परेचर जो इसको चाहिए होता है वो कुछ 27 डिग्री होता है। ठीक है, तो ऐसा ही हमें, ऐसे जो ये सॉइल्स है एलुवियल सॉइल तो ऐसी बनी होगी, हमें पहले क्लाइमेट देखना पड़ा होगा, उसकी थिकनेस कितनी है हमें वो सब देखना पड़ेगा, तो जो सॉइल है वो ऐसे बनती है इन फैक्टर्स पे डिपेंड करके। ठीक है, देन हम अगर देखें डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉइल डिग्रेड कैसे हो रही है, डिग्रेड मतलब कि सॉइल ख़राब कैसे हो रही है हमारी। ठीक है, अब हम उसको फिर देखेंगे कि सॉइल को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, लाइक हमने देखा पहले कि लैंड कैसे ख़राब हो रही है, फिर वो कैसे कंजर्व करी, सिमिलरली हम देखेंगे कि सॉइल को हम कैसे सही कर सकते हैं, कैसे उसको कंजर्व कर सकते हैं। तो जो हमारी सॉइल इरोजन है और डिप्लीशन है, ये मेजर थ्रेट है जिसकी वजह से जो सॉइल है वो एक एज अ रिसोर्स है, यानी जिसकी वजह से उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, लाइक बोथ ह्यूमन एंड जो नेचुरल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ही जो लैंड है वो डिग्रेड हो रही है। अब ह्यूमंस कैसे, क्योंकि वो सॉइल को ख़राब कर रहे हैं, नेचुरल फैक्टर्स कैसे, लाइक कभी कुछ वो अर्थक्वेक आ गया, तो इसकी वजह से जो है हमारी सॉइल लैंड डिग्रेड हो रही है। ठीक है, अब फैक्टर्स जिसकी वजह से सॉइल डिग्रेड हो रही है, यानी मेन चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी सॉइल डिग्रेड हो रही है, तो यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसको मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में वो पूछा जाता है 2 मार्क्स। तो जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, वो नेचुरल फैक्टर्स वो क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ह्यूमंस के तो हमें पता है। ठीक है, तो वो पूछते नहीं है, वो पूछते नेचुरल के। नेचुरल के क्या है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ की कटिंग हो रही है, ओवर ग्रेजिंग यानी ग्रेस ज़्यादा कराया जा रहा है, ओवर यूज़ हो रहा है केमिकल्स का, अगर केमिकल्स का ओवर यूज़ हो रहा है तो क्रॉप्स ख़राब हो जाएंगे, क्रॉप ख़राब हो गए तो सॉइल ख़राब हो जाएगी, है ना। रेन वॉश, एसिड रेन वगैरह से हो रहा है। ठीक है, और लैंडस्लाइड्स हो गए, फ्लड्स हो गए, वही अर्थक्वेक वगैरह, ये सब तो ये कुछ नेचुरल फैक्टर्स है जिनकी वजह से हमारी सॉइल जो है वो डिग्रेड हो रही है। देन अब सॉरी ये क्या हो गया। ठीक है, देन अगर हम बात करें कि अब हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, हमें तो प्रॉब्लम तो देख ली क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे कैसे हो रहा है, पर सॉल्यूशन क्या है, उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो जो फर्स्ट मेथड है सॉइल कंजर्वेशन के लिए वो है मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है कि एक बेयर ग्राउंड है, ठीक है, बेयर ग्राउंड लिया, बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, यानी एक कोई भी ऐसा ग्राउंड लिया। ठीक है, ये ग्राउंड ले लिया हमने, अब इस पर क्या किया, यहाँ पर ऐसे रो में जो है वो प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे रो में, अब हम उस पर क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिक मैटर की लेयर लगा रहे हैं, यानी जो भी हमारा सामान है हमने उसको लगा दिया ऐसे सामान को। ठीक है, और लाइक अ स्ट्रॉ जैसे बन गया ना ये, तो इसी को ही हम कहते हैं मल्चिंग, और ये हेल्प करता है हमें सॉइल मॉइस्चर को रिटेन करने में। ठीक है, क्लियर। देन आता है कॉन्टोर बैरियर्स। कॉन्टोर बैरियर्स क्या होता है, जैसे कि स्टोन, ग्रास, सॉइल, ये सब जो हैं वो हमें हेल्प करते हैं एक बैरियर बनाने में। लाइक ये मैंने वापस एक मेरा ये फार्म है, ठीक है, इस पर मैंने कुछ बैरियर्स लगा दी, समथिंग लाइक दिस बैरियर्स, ठीक है, ऐसे कुछ बैरियर्स लगा दिए, तो ये क्या करेंगे, ये जो हवा आती है ना तेज जिसकी वजह से क्रॉप सारे उड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो वो बांध के रखती है, उसकी वजह से स्टोन्स, ग्रास, सॉइल, इनसे बनाया है मैंने अपना ये बैरियर अलॉन्ग द कॉन्टोर्स में। और जो ट्रेंचेस हैं वो किससे बने हैं, वो इसलिए बने हैं ताकि वो वाटर को कलेक्ट कर सके इसके अंदर। ठीक है ना, अब आता है हमारा रॉक डैम। रॉक डैम जो है वो क्या है, वो रॉक्स पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, यानी रॉक जो है डैम से ही पता चल रहा है कि हम क्या करते हैं, रॉक्स जो है उनको ऐसे खड़ा कर देते हैं जिसकी वजह से वाटर का फ्लो जो है वो रुक जाए, वो वापस चला जाए, इससे यहाँ से आगे ना जा पाए। ठीक है, तो ये क्या प्रिवेंट कर रहा है, ये प्रिवेंट कर रहा है गुलीज को एंड फर्दर सॉइल जो लॉस हो रही है उसको। ठीक है, तो अब हम देखेंगे टेरेस फार्मिंग। ठीक है, तो टेरेस फार्मिंग क्या होती है, मैं आपको ना डायग्राम से दिखाऊंगी। तो देखिए इसमें क्या होता है, 1 मिनट गाइस। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये बड़े बड़े से ब्रॉड से फ्लैट से इन्होंने स्टेप बना रखे हैं, स्लोप्स, है ना, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे ऐसे बना रखे हैं, तो इन्हीं को टेरेस फार्मिंग कहते हैं। यानी ऊपर टेरेस क्या होता है, हाइट में जो लंबा होता है, तो टेरेस में करना फार्मिंग को, डैट्स कॉल्ड द टेरेस फार्मिंग। ओके,
आपको ये नहीं लिखना कि जो टेरेस में फार्मिंग की जाती है डेट्स कॉल्ड द टेरेस फार्मिंग, नहीं, आपको ये पूरी डेफिनेशन लिखनी होगी। बस मैंने आपको डायग्राम से बता दिया कि ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स होते हैं, यानी जिसको हम टेरेस बोल सकते हैं, उस पर स्लोप्स होते हैं द फ्लैट सरफेस जिस पर हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, और इसकी वजह से जो हमारा सॉइल इरोशन है हम उसको रोक सकते हैं, ठीक है। देन अगर मैं बात करूँ इंटरक्रॉपिंग की, तो इंटरक्रॉपिंग क्या होती है कि डिफरेंट क्रॉप्स को जब हम ऑल्टरनेट रो में ग्रो कर सकते हैं, यानी देखिए इसका भी डायग्राम है, नहीं इसका डायग्राम नहीं है ना, कोई नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ ड्रॉ करके खुद ही। तो देखिए ये मेरे पास एक फार्म है, ठीक है। अब इस फार्म पे हमने क्या किया, ऑल्टरनेट क्रॉप्स ग्रो किए, मतलब कि यहाँ इस सीज़न में मैंने यहाँ पे कुछ और प्लांट लगाए, और वो भी ऐसे रोज़ में, ठीक है। फिर ये मेरा एक यही फार्म है, ठीक है। अब दूसरा मौसम आया, ये मैंने किया था समर में, अब विंटर में मैंने दूसरे क्रॉप्स ग्रो किए पर रो में ही किए, ठीक है। तो ऑल्टरनेटली मैं क्रॉप्स चेंज कर रही हूँ और उनको ग्रो कर रही हूँ, तो दैट्स कॉल्ड द इंटर क्रॉपिंग। और क्या होता है, अरे ये रफ क्यों नहीं हो रहा है, वन मिनट गाइस, इसमें मेरा दिक्कत आ गया है, ठीक है। तो अच्छा ये देख लिया, अब ये क्या करता है, ये क्या करता है, जो प्रोटेक्ट हमारी जो सॉइल है ना उसको प्रोटेक्ट करता है रेन वॉश से। क्यों, क्योंकि अगर कभी रेन आ जाएगी तो उससे हमारे जो क्रॉप्स हैं वो प्रोटेक्ट करेंगे, अगर हम अकॉर्डिंग टू सीजन्स के हिसाब से ऑल्टरनेट रोज में क्रॉप्स ग्रो करेंगे, ठीक है। देन हम देख रहे हैं कॉन्टोर प्लगिंग। कॉन्टोर प्लगिंग क्या होती है कि पैरेलल में क्रॉप्स को ग्रो करना, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये एक है, फिर यहाँ पे येलो कलर का कोई, फिर यहाँ पे ब्लू, फिर येलो, ऐसे पैरेलल में क्रॉप्स को ग्रो करना, जिससे नेचुरल बैरियर जो है, ये क्यों होता है, ताकि जो वाटर है ना वो नीचे फ्लो कर जाए, यानी ऊपर फ्लो नहीं करेगा, क्यों है ना, वो क्या कर जाएगा, जब ऐसे पैरेलल हम ड्रॉ करेंगे तो जो वाटर है वो सारा नीचे की तरफ फ्लो कर जाएगा और ऊपर क्रॉप्स पे चढ़ेगा ये, ठीक है। देन शेल्टर बेल्ट्स की मैं बात करूँ, अच्छा ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि ये कैसे कंजर्व हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, कभी मैं बोलती जाऊँगा आप भूल जाए। तो शेल्टर बेड्स क्या होते हैं, जो कोस्टल और ड्राई रीजन्स होते हैं ना, वहाँ पे ट्रीज़ को रो में प्लांट करना, लाइक ऐसे रोज़ में प्लांट करना। वैसे हमने जो भी पढ़े सब में रोज़ में ही प्लांट कर रहे हैं ना, तो याद ही होगा कि रोज़ में प्लांट करना, ये चेक करने के लिए कि विंड की मूवमेंट कैसी हो रही है, ठीक है। मतलब विंड जो है ना वो कभी इस डायरेक्शन में कभी उस डायरेक्शन में, तो विंड की मूवमेंट को देखते हुए क्रॉप को ग्रो करना। तो अब हम देखने वाले हैं वाटर, ठीक है। तो वाटर जो है, हम सभी को पता है कि वाटर एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। रिन्यूएबल मतलब जिसको हम दोबारा से शायद बना सकते हैं, मतलब बना तो सकते हैं, पर आई एम नॉट श्योर कि वाटर को कैसे हम बनाएंगे, है ना। पर रिन्यूएबल वो हो सकता है जिसको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी हम इसको दोबारा से बना सकते हैं, पर कुछ अलग होते होंगे कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक नेचुरल रिसोर्स है, हमने तो बनाया नहीं तो नेचुरल है, ठीक है। अब थ्री बाय फोर्थ जो है अर्थ सरफेस कवर है वाटर से, यानी जो इसका बचा 1/4 है वो किससे कवर है, लैंड से, ठीक है। तो ये 1/4 जो आई 30% हो गया हमारा, और ये जो है 70% वो कौन कवर कर रहा है, हमारा वाटर, अर्थ का बता रही हूँ मैं, ठीक है। हमारी बॉडी में तो वाटर 90% होता है, ओके, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। देन अगर मैं बोलूँ कि जो therefore the आर appropriately called water planet, इसलिए जो हमारा अर्थ है ना उसको वाटर प्लानट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि 70% वाटर जो है वो वाटर ने कवर कर रखा है हमारी अर्थ पे, और जबकि 30% लैंड है, तो इसलिए वाटर प्लानट इसको बोलते हैं, ठीक है। और जो ओशंस हैं वो कम से कम कितने साल के हो गए अब तक, तो 3.5 billion ईयर्स हो गए हमारे इन ओशंस को। इवन टुडे जो ओशन है वो कवर करते हैं 2/3, मतलब अब जो ओशंस है वो ओशन 2/3 कवर करता है, और जो बाकी का वाटर है वो कितना कर रहा है, 1/4 में से बाकी का बचा हुआ, ये 1/4 में से 2/3 कर रहा है, सॉरी जो 3/4 वाटर कवर कर रहा है ना हमारा 70%, उसमें से जो 2/3 है वो हमारा कौन कर रहा है, वाटर, ठीक है। देन उन्होंने बताया कि इन सपोर्ट रिच वैरायटी ऑफ प्लांट, तो अब जितना वाटर उतना ही अच्छी हेल्दी लाइफ वाटर एंड प्लांट्स एनिमल्स को और ह्यूमंस को। तो जो ओशन वाटर है वो सेलाइन होता है, ये तो हम सभी को पता है, सेलाइन यानी जो नमक का पानी होता है, ठीक है। अब बेसिकली हम बात करें तो जो अर्बन एरियाज हैं यानी सिटी है वहाँ पर तो नमक का ही पानी आता है, खारा पानी, सेलाइन वाटर, और जो कि ह्यूमन के लिए बेस्ट नहीं है, ह्यूमन कंजप्शन उसे अच्छे से कंज्यूम नहीं कर सकता। और जो फ्रेश वाटर की हम बात करें तो ये 2.7% है, ये भी उन्होंने बहुत ज़्यादा लिख दिया है, 2.7 नहीं है, बहुत ही कम है इससे भी,
और अभी ये तो मैंने बताया था कि जो हमारा 70% है वो हमारा वाटर है, पर उसमें आइस शीट्स, ग्लेशियर, एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड, माउंटेन रीजन, इन सबको मिला के पूरा 70% हमारा बनता है, ठीक है। और जो फ्रेश वाटर है, देखो मैंने आपको बताया था ना कि फ्रेश वाटर ये 2.7 नहीं, इन्होंने कुछ अकाउंट में बता रखा है, यानी पूरा नियरली बता रखा है इन्होंने, बट जो फ्रेश वाटर में से भी जो हम पी सकते हैं, यानी फ्रेश वाटर अभी मैंने कितना बताया कि 2.7% है ना, पर ये जो 2.7% है इसमें से भी जो हम पी सकते हैं वो कुछ 1% है। कितना है? 1%। बताइए अब हम इतने सारे लोग हैं पूरे इंडिया में ही, बस हम 14 मिलियन कह रही हूँ, इतने मतलब 7 बिलियन पीपल हैं, तो पूरे वर्ल्ड की हम कितनी बात करें, तो पीने लायक तो फिर भी कितना है, ओनली 1% है फ्रेश वाटर, ठीक है, जो कि हम ह्यूमन जो है पी सकते हैं, ठीक है। और वो कहाँ मिलता है हमें? ग्राउंड वाटर में, ग्राउंड वाटर से ही आता है सारा पानी, ठीक है। एज जो सरफेस वाटर है, रिवर्स, लेक्स एंड वाटर वेपर इन दी एटमोसफेयर में। अब फ्रेश वाटर की मैं बात करूँ, और तो जो फ्रेश वाटर है वो एक प्रीशियस सब्सटेंस है, क्यों? क्योंकि हम उस वो एक बहुत महत्वपूर्ण है, अगर वो नहीं मिलेगा तो हम नहीं पी पाएंगे कुछ भी, है ना। तो वाटर जो है वो एडेड भी होता है और सब्ट्रैक्टेड भी होता है अर्थ पे। मतलब क्या है कि ना ही हम वाटर को और ऐड कर सकते हैं, ना ही हम और वाटर को कम कर सकते हैं ऑन दी अर्थ पे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्या कि हम ना ही अर्थ को ऐड कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, और ना ही हम उसको घटा सकते हैं। हाँ, यूज़ हम जितना कर रहे हैं ना, तो नहीं कहीं ना कहीं से मिल जाता है उसको, वापस वो आ जाता है, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम जो है हमारे वाटर का वो क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है, मतलब कि सेम रहता है, ना ही वो घटता ना ही वो बढ़ता, ठीक है। देन अगर अब मैं बात करूँ वाटर साइकिल की, तो वाटर साइकिल तो हम बचपन से ही पढ़ते हैं कि वॉट इज़ वाटर साइकिल, है ना, और ये तो बच्चों को अब तक तो रट जाती है कि वाटर साइकिल क्या होती है हमारी, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे वाटर साइकिल क्या है, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा ही होता है। तो हम आते हैं डायरेक्ट कुछ अब इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, डैट इज़ ह्यूमन जो है यूज़ करते हैं बहुत सारा वाटर, सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए ही नहीं और वॉशिंग के लिए ही नहीं, बल्कि और भी हमें पता ही, हमें तो बस इतना ही पता है कि पीने के लिए और वॉशिंग के लिए, पर नहीं और भी चीज़ों में ह्यूमन जो है वो वाटर का यूज़ करता है, वो भी बहुत सारा। कैसे? एग्रीकल्चर में, प्लांट्स के लिए, है ना, इंडस्ट्रीज़ में अपना जो भी उसका प्रोडक्ट है उसके लिए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी वाटर चाहिए होता है, और जो रिजर्वर्स हैं डैम्स के उसमें भी वाटर, भैया उसमें तो सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। अब जैसे कि पॉपुलेशन जो है वो हमारी बढ़ रही है, पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी उसको उतना ज़्यादा सामान चाहिए, उतना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। डिमांड किसकी बढ़ रही है? फूड की बढ़ रही है, क्रॉप्स की बढ़ रही है, इन सब के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ते जाते हैं हम ह्यूमन थी, उतनी ज़्यादा हमारी डिमांड्स बढ़ती हैं और उतना ज़्यादा हम जो है रिसोर्सेज का वेस्ट करने लगते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स क्या है वाटर अवेलेबिलिटी की, यानी कैसे कैसे वाटर अवेलेबल है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? तो प्रॉब्लम जो है वाटर अवेलेबिलिटी की वो ये है कि देयर स्कार्सिटी ऑफ वाटर, यानी पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा रुइन होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, बिल्कुल बहुत ही कम बचा है। तो जो रीजन्स होते हैं हमारे वर्ल्ड के, लाइक अगर बात करूँ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ अमेरिका, सब जो भी है वहाँ पे क्या हो रहा है, शॉर्टेज हो रही है फ्रेश वाटर की। फ्रेश वाटर कितना था अभी बताया था? 1% था। तो इस फर्स्ट वो जो 1% है इसकी क्या हो रही है? कमी हो रही है, ठीक है। तो कंट्रीज़ जो कि लोकेटेड है क्लाइमेटिक जोन्स में, तो उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर ड्रॉट्स आते रहते हैं, है ना, तो वहाँ पे तो वाटर की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है। थस अगर मैं बात करूँ कि जो वाटर शॉर्टेज है उसको हम अब कैसे रोक सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे अब इन आर नेक्स्ट पैराग्राफ। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, तो ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है आपकी ज्योग्राफी बुक का, तो थोड़ा सा लेट हो सकता है आपको, टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट डोंट वेट, आपको मैं लाइन टू लाइन इंस्पिरेशन दे रही हूँ ताकि आपको बेस्ट और ईजी रहे चैप्टर, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज में हम देखेंगे कि वाटर का हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि हम जब अनट्रीटेड पार्शली ये सब जो भी हम जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, उसमें हम बहुत सारा वाटर जो है यूसेज वो वेस्टेज करते हैं ना। तो हमें देखना है कि हम क्या क्या कैसे कैसे इसको बचा सकते हैं। तो जो मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, पर
एंड जो रीच ह्यूमन बॉडीज है थ्रू वाटर, यानी वो हम तक पहुंचाते हैं वो केमिकल्स वाटर के थ्रू, यानी जो इंडस्ट्रीज है वो केमिकल्स को क्या थ्रो कर देती है रिवर्स में, फिर वो रिवर्स से पानी जो है वो हमारे घर तक आते हैं और हम उसको पी लेते हैं, वो उसमें मिल जाता है। तो केमिकल्स और वाटर दोनों में तक आ रहे हैं, यानी हमें फ्रेश वाटर नहीं मिल रहा है, हमें मिल रहा है गंदा वाटर, वाटर पॉल्यूशन, ओके, हमें वाटर पॉल्यूटेड मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ ये पानी फेंक रही हैं वो इसको तब फेंके, इसको पहले क्लीन करें, देन दे विल थ्रो इट, है ना। देन और क्या हम कर सकते हैं, फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन जो है वो स्लो कर सकते हैं सरफेस का रन ऑफ, यानी जिस तरीके से वो सब रन हो रहे हैं वो उनको रोक सकते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, उसको हम रिप्लेनिश करने से रोक सकते हैं। उसका मेथड क्या है, वाटर की हार्वेस्टिंग कर, सबसे बेस्ट मेथड अगर रन ऑफ के लिए, अंडरग्राउंड वाटर रिप्लेनिश और इन सब प्रॉब्लम्स के लिए एक ही है सॉल्यूशन, डैट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर नहीं वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, ओके। देन स्प्रिंकलर्स इफेक्टिव इरीगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेज, यानी अगर कहीं पे वाटर लूज हो रहा है तो उसको भी कुछ करना पड़ेगा, वेस्ट नहीं होने दे सकते, है ना। तो वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर कंजर्व किया, हम जो वैल्यूएबल ये वाटर रिसोर्स है हम उसको कंजर्व कर सकते हैं अडॉप्ट करके द मीन्स ऑफ इरीगेशन, यानी कुछ इरीगेशन के ऐसे मशीन्स आती हैं, कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिनसे हम इनको कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। देन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो जो नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ है वो एग्जिस्ट करते हैं एकदम नैरो जोन कॉन्टेक्ट में, मतलब हमने चैप्टर पता नहीं हमने कहाँ पढ़ा था, एक इस एट क्लास का ये एक एयर का ज्योग्राफी का चैप्टर एयर से जिसमें आता है, तो उसमें क्या होता है हमने लेयर्स पढ़ी थी, याद है, एक लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रेटोस्फीयर और एक और थी एटमॉस्फेयर, सबसे नीचे, है ना। तो जो लिथोस्फीयर ये वाली और जो ये हाइड्रोस्फीयर है ये वाली, इन दोनों और एक और एटमॉस्फेयर, ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं, बायोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, दैट वी कॉल द बायोस्फीयर, यानी जहाँ पे वाटर है, लैंड है और एयर है, वो सब एक साथ मिलके क्या बनाती हैं, हमारा बायोस्फीयर। अब इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम होता है जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग एक साथ रहते हैं, ठीक है, और रिसोर्सेज भी, यानी सब कुछ जब सब लोग एक साथ रहते हैं, दैट्स कॉल्ड द इकोसिस्टम। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या हुआ, जहाँ पे इकोसिस्टम है, बायोस्फीयर है, जहाँ पे जो लोगों का बिल्कुल नेचुरल, जैसे हम ह्यूमंस के लिए नेचुरल क्या है, हमारी जो सिटीज़ है, विलेज है, वो हमारे लिए नेचुरल है ना, पर जो एनिमल्स हैं उनके लिए नेचुरल क्या है, फॉरेस्ट है ना। तो नेचुरल वेजिटेशन वही होता है जो उनका अपना खुद का एरिया है, मतलब उनका खुद का होम है, जहाँ दैट्स कॉल्ड द नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। तो अब नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा हमें वो देखना है, ठीक है। तो जो ग्रोथ है वेजिटेशन की वो डिपेंड करती है टेम्परेचर मॉइस्चर पे, यानी कैसे कैसे जो टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, वो वैरी करता है, तो वैसी वैसी वेजिटेशन जो है वो भी ग्रोथ में वैरी करता रहता है, ठीक है। अब मेजर वेजिटेशन क्या है, लाइक फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, स्क्रब्स है एंड टुंद्रा, ठीक है। तो जो मेजर वेजिटेशंस हैं वो क्या है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा, ये चार जो हैं ये एक मेजर वेजिटेशंस हैं, ओके। देन इन कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, लाइक ह्यूज ट्रीज़ हैं वो ख़राब हो जाते हैं जब हैवी रेनफॉल आएगी, आपने देखा ही होगा, जैसे आजकल तो बहुत तूफान आ रहा है, तो जो ट्रीज़ हैं वो टूट जाते हैं और ख़राब हो जाता है। तो जो फॉरेस्ट है वहाँ पे क्या है, वाटर सप्लाई एकदम से अबेंडेंट होता रहता है, क्योंकि फॉरेस्ट को वाटर चाहिए, अब इतने सारे लोग कहाँ से लाए जो देते जा देते चाहे ना, तो वहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम उन्होंने कर रखा है जिसकी वजह से वाटर सप्लाई वो खुद होता रहता है। तो जितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो है वो डिक्रीज़ होगा, उतना साइज़ ऑफ ट्रीज़ जो है, यानी मॉइस्चर मतलब जितना वाटर का कंटेंट कम होता जाएगा ना, उतना ही डेंसिटी और साइज़ भी छोटा होता जाएगा। आपने जैसे देखा होगा कि अगर पौधों को पानी नहीं देते तो वो मुरझा जाता है, सेम कहानी आई है कि जितना कम मॉइस्चर उतना साइज़ जो है ट्रीज़ का वो डिक्रीज होगा, ठीक है। देन अब हम बात करेंगे कुछ और, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, स्क्रब्स के बारे में, ठीक है। तो ग्रासलैंड भी वही है जहाँ पे ग्रासलैंड, ये फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एक ही चीज़ होती है, ठीक है। देन स्क्रब्स के बारे में हमें देखना है, तो स्क्रब्स जो हैं वो क्या होते हैं, इन ड्राई एरियाज में, जहाँ पे बहुत सूखा होता है ना वहाँ पे, और लो रेनफॉल अगर ड्राई है, यानी रेनफॉल तो कहीं ना हर जगह होती है, पर अगर ड्राई है तो वहाँ पे क्या होती है, कैसी रेनफॉल होती है, लो होती है, ठीक है। अब जो प्लांट्स हैं वहाँ पे स्क्रब्स में, उनके पास डीप रूट्स होते हैं, उनकी जो लीव्स हैं वो थॉर्नी होती है, थॉर्नी मतलब कांटे जैसी ऐसे, ठीक है। तो ऐसे थॉर्नी से होते हैं एंड वैक्सी सरफेस होता है, जिसकी वजह से, वैक्सी सरफेस मतलब कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से मॉइस्चर जो है वहाँ पे वो कम होता है,
और ट्रांसपीरेशन भी कम होता है, ट्रांसपीरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर कम होता जाता है, ठीक है। आप तुंद्रा वेजिटेशन हम देखें तो वहाँ पे एकदम कोल्ड पोलर रीजन होता है, कोल्ड पोलर यानी जहाँ पे पोलर बियर वगैरह ये सब रहते हैं, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि कैसे कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। कंजर्व क्यों करना है, क्योंकि नेचुरल रिजन ख़त्म होता जा रहा है, लोग उन पेड़ों को काटते जा रहे हैं और वहाँ पे अपनी बिल्डिंग्स खड़ी करते जा रहे हैं। तो जब वो ऐसा कर रहे हैं तो हमें उसको कंजर्व करना है। अब लोग क्या करते हैं, जू में जाते हैं। जू में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो पूरा बंद है, वहाँ पे उनको हमने केज में रखा हुआ है। पर हाँ, हम वाइल्ड लाइफ में या नेचुरल रिजन में जाके देख सकते हैं क्योंकि वो उनका नेचुरल होम है, ठीक है। तो फॉरेस्ट जो है वो हमारी वेल्थ है, क्योंकि प्लांट्स के लिए वो शेल्टर है, एनिमल्स के लिए वो एक इकोसिस्टम है, और ये सब मिला के वो इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, यानी क्लाइमेट जैसे जैसे बदलता है वैसी वैसी वहाँ पे ह्यूमंस पहुँच जाते हैं। लाइक अगर बारिश है तो लोग पहुँच जाएंगे, अगर सर्दी है तो लोग घूमने निकल जाते हैं, तो उसकी वजह से उनका जो नेचुरल होम है उसको अफेक्ट हो रहा है। तो इनडेंजर्ड जो है एनिमल्स वो कम होते जा रहे हैं, आपने देखा ही होगा, है ना। तो इसको रोकने के लिए क्यों कम होते जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स जिसकी वजह से जो एंडेंजर्ड हमारे एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है, यानी कम होते जा रहे हैं। जैसे कि राइनोसोरस हो गए, एलिफेंट, इन सबको तो हम इन जानवरों को अब देख भी नहीं पा रहे क्योंकि कम होते जा रहे हैं ना। और अगर हम वाइल्ड लाइफ में भी जाते हैं, नेचुरल वेजिटेशन में भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी हमें वो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि लोग उन्हें कुछ सामान बनाने के लिए मार रहे हैं, कुछ उनकी मार्केट करने के लिए उनको बेच रहे हैं ना, कुछ या फिर जू में के लिए, और या फिर कुछ लोग उनका वहाँ पर जगह अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए उनको मार रहे हैं, ठीक है। तो इनको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनके लिए कुछ करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम इनको कंजर्व कर सकते हैं। और एक ही तरीका है, इंक्रीजिंग अवेयरनेस, और या फिर जो इन जानवरों को मार के जो इनसे सामान बनाया जा रहा है हम उसको ना खरीदें। तो जब हम उसको नहीं खरीदेंगे तो फिर लोग बेचेंगे, और बेचेंगे नहीं तो फिर लोग बनाएंगे नहीं तो वो उन्हें मारेंगे, ठीक है। तो और क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस इंक्रीज कर सकते हैं, कि लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि ऐसा मत कीजिए, इससे ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा सकता है, ये सब, ठीक है। देन नेचुरल पार्क जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इन सब को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वही क्या है, इनका नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है। कंजर्वेशन जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि इन्वायरमेंट में बैलेंस बना रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अगर ह्यूमंस ही रहेंगे तो फिर उनका सामान कहाँ से आएगा, वो जानवरों से ही आते हैं ना। पर थोड़ा बहुत तो मतलब चलो, क्योंकि इकोसिस्टम है यानी सब कुछ तो हमें करना पड़ेगा, एक दूसरे को मार के खाना तो पड़ेगा, ठीक है। पर इतना भी नहीं कि हम उनको ख़त्म ही करते जा रहे हैं। इकोसिस्टम है जहाँ पे सब एक साथ रहते हैं, यानी सब कुछ एक दूसरे सबसे इंडिपेंडेंट है, लाइक एनिमल्स हम पे हैं, हम उन पे हैं, है ना। तो बैलेंस बना रहना चाहिए, ये नहीं कि हम उन्हें बिल्कुल ही ख़त्म कर दें अपनी बेसिक नीड्स के लिए, ठीक है। देन हम आते हैं फिर नेक्स्ट पेज पे, जिसमें हैं हम ओके। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे कि अवेयरनेस हम कैसे फैला सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जो स्कूल चिल्ड्रंस हैं हम उनको लेके जा सकते हैं बर्ड दिखाने के लिए नेचर कैंप्स में, ताकि वो उसको देखे और उन्हें लगे कि वाह कितना ब्यूटीफुल है, और या फिर उनको अप्रिशिएट करें उनके हैबिटेट की, जो कितनी वेरिड स्पीसीज़ हैं उनको देखने उनको मिले, वेरियस स्पीसीज़, तभी तो वो उनको कंजर्व करेंगे, उनको अवेयरनेस फैलेगी, नहीं तो वो ऐसी अनजान बने रहेंगे, ठीक है। तो कंट्रीज़ जो हैं उनको लॉज पास करने चाहिए कि हम उनके जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं उनको मार के कोई भी ट्रेड ना करें। जैसे कि एलिफेंट्स हैं ना, इनके जो दांत होते हैं ना उनको काटा जाता है, अब काटने के लिए एलिफेंट्स को मारना पड़ेगा, है ना। वो क्यों मारा जाता है, क्योंकि इसके सामान बनते हैं इनके दांतों के। तो अगर हम ये ना ट्रेड करें तो एनिमल्स मरेंगे नहीं, है ना। तो वही चीज़ है, अब जैसे कि आपने मूवी देखी होगी जंगली, उसमें यही कहानी थी कि उनमें एलिफेंट्स को मार दिया जाता था फॉर उनके टीथ के लिए। तो इसके लिए हमें लॉ पास करना पड़ेगा, और एक लॉ पास भी किया था इन्होंने, जिसकी वजह से जो ट्रेड था वो तो बंद हो गया था, पर फिर भी लोग क्या करने लगे थे, इलीगल ट्रेड करते थे, यानी छुपके से एक इलीगल ट्रेड करते थे वो, जिस पर फिर भी, ठीक है। तो गाइस हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अगली किसकी वीडियो चाहिए मेरे को कमेंट में बताएं।